तो आज के वीडियो में हम एक स्मॉल हाउस प्लान देखने वाले हैं जो हमने कस्टमर के लिए बनाया था। स्मॉल हाउस प्लान मतलब प्लॉट का साइज जो है लगभग 32 फीट बाय 45 फीट का था, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है कम एरिया में किया गया था, इसलिए इसे हम स्मॉल हाउस प्लान कह सकते हैं। लगभग 25 फीट बाय 35 फीट में ये जो है पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया था, मतलब लगभग 875 स्क्वायर फीट में, ठीक है, 25 फीट बाय 35 फीट में। तो ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी हम देखने वाले हैं, और उसके बाद में इसका जो काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव 3D फ्रंट एलिवेशन हमने बनाकर दिया था, काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन के साथ। वो 3D फ्रंट एलिवेशन भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और उसके कलर ऑप्शन भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बहुत ही शॉर्ट में यह प्लान समझाऊंगा, काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सा प्लान है, आपको आपके प्लान के लिए या आपके घर के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज इस वीडियो से आ सकती है। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिजाइन और उसी के साथ साथ में होम डिजाइन के बारे में हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्लान में हमने एक्सटीरियर वॉल जो है 9 इंच के लिए है, इंटर वॉल जो है 6 इंच के लिए है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शेड्यूल ऑफ ओपनिंग है, मतलब डोर्स और विंडोज के जो है साइजेस बताए गए हैं। कस्टमर का नेम भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं मेन रोड बताया गया है, और ये जो रोड है ये जो है ईस्ट फेस में है, मतलब पूर्व की दिशा में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन गेट बताया गया है, और यहाँ से एंट्री करने वाले हमारी पार्किंग के एरिया में, और पार्किंग का एरिया जो हमको मिलता है आप देख सकते हैं 10 फीट है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में 9 फीट 9 इंच है लगभग यहाँ से यहाँ तक है, और 14 फीट 9 इंच जो इसका विड्थ है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारी कार आराम से पार्क हो जाएगी। उसके बाद में इस साइड में अगर हम देखेंगे तो हमने कुछ पैसे छोड़ा गया है 3 फीट, और इस साइड में भी 4 फीट का ऑफसेट छोड़ा गया है, मतलब वेंटिलेशन के लिए छोड़ा गया है। यहाँ से स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँचते, और यहाँ से एंट्री करने वाले हमारी इस हॉल में 12 फीट बाय 15 फीट का हमको हॉल का साइज मिलता है, मतलब 12 फीट बाय 15 फीट का। और इसके बाद में लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो हमको स्टेयरकेस मिलती है ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए, तो यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होती है, उसके बाद में यहाँ पर लैंडिंग रहेगी, इस लैंडिंग से टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर मतलब ऊपर की मंजिल पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर किचन है 11 फीट बाय 9 फीट का, किचन की एंट्री यहाँ से होती है, और किचन को 2 विंडोज बताए गए हैं, तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 11 फीट बाय 9 फीट 6 इंच का इसका साइज है। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमको बेडरूम मिलता है 11 फीट बाय 12 फीट का बेडरूम का साइज है, मतलब लगभग 11 फीट बाय 12 फीट का। और पीछे के साइड में यहाँ पर विंडो है, इस साइड में भी 2 विंडोज बताए गए हैं, तो इसे वेंटिलेशन जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हर तरफ से हमने जगह छोड़ी है, पीछे के साइड में भी 5 फीट की जगह छोड़ी है। कम एरिया में मतलब स्मॉल एरिया में कंस्ट्रक्शन किया गया है 875 स्क्वायर फीट में। उसके बाद में लिविंग रूम से ही इस साइड में आते हैं तो देखिए, हमको कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिलता है जो डायरेक्टली नज़र नहीं आता है हॉल से, आप देख सकते हैं इस साइड से जाएंगे और यहाँ पर टॉयलेट और यहाँ पर बाथरूम है। टॉयलेट का साइज़ हमको मिल रहा है 4 फीट बाय 3 फीट 6 इंच का, बाथरूम का 7 फीट बाय 4 फीट का। तो छोटा सा प्लान है, स्मॉल हाउस प्लान है। नीचे जो है 1 BHK है, मतलब एक बेडरूम एक हॉल किचन है और कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, पीछे एक साइड में दिया गया है, ठीक है। ये टॉयलेट बाथरूम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीछे की साइड में बताया गया है, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि टॉयलेट बाथरूम जो है सेंटर में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पीछे की साइड में बताया है। चलिए ऊपर का प्लान देखते हैं किस टाइप में बनाया है। यहाँ पर हमने कॉलम पोजीशन भी दिए गए, आप देख सकते हैं ये 22 कॉलम पोजीशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस के साथ ये कॉलम पोजीशन हमने दिए थे। तो इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान जो है हम देखते हैं, तो देखिए फर्स्ट फ्लोर पर हमारी एंट्री जो है हमने आपको बताई थी सीढ़ी से जो है यहाँ पर होती है इस सीट आउट के एरिया में। तो यहाँ पर हमारी सीट आउट के एरिया में एंट्री होती है, सीट आउट का एरिया हमको मिलता है लगभग 12 फीट बाय 11 फीट 3 इंच का, और सीट आउट के एरिया से हम इस पोर्च में एंट्री करने वाले हैं, 14 फीट बाय 9 फीट का हमको पोर्च का साइज मिलता है, काफ़ी बड़ा साइज है, यहाँ पर हम स्टेयर्स वगैरह डाल के बैठ सकते हैं आराम से। और उसके बाद में लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमको बेडरूम मिल रहा है 11 फीट 6 इंच बाय 12 फीट 9 इंच का, इस बेडरूम का साइज है, और यहाँ पर 2 विंडोज बताए गए हैं, तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉलम है, ग्राउंड फ्लोर पर हमने जो है इसके अंदर ही कंस्ट्रक्शन किया था, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ऊपर के फ्लोर पर यहाँ पर जो है ये स्लैब जो है बाहर निकला गया है और ये रूम जो है बढ़ाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो है स्टेयरकेस है ऊपर के फ्लोर पर, मतलब उसके ऊपर की मंजिल पर भी यही स्टेयरकेस जो है कंटिन्यू हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर मास्टर बेडरूम बताया था, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 11 फीट बाय 12 फीट 3 इंच का जो है यहाँ पर साइज है, और यहाँ पर 15 फीट साइज है, मतलब ये काफ़ी बड़ा रूम है, मास्टर बेडरूम है, इसमें ड्रेसिंग भी एडजस्ट किया गया है और अटैच वाला बाथरूम भी एडजस्ट किया गया है, आप देख सकते हैं। और इसको पीछे के साइड में बालकनी भी बताई गई है 3 फीट की, क्योंकि पीछे के साइड में 5 फीट का ऑफसेट चौड़ा है, तो 3 फीट की बालकनी आराम से यहाँ पर बैठ जाएगी। और उसके बाद में ये जो सीट आउट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सीट आउट मतलब ये इसे हम हॉल भी कह सकते हैं, फैमिली हॉल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, यहाँ से एंट्री होती है,
4 फीट बाय 8 फीट का, मतलब बड़ा कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है। मतलब ये जनरल टॉयलेट बाथरूम है जो हमारे गेस्ट वगैरह रहेंगे उनके लिए, और हमारे जो मास्टर बेडरूम है इसको तो एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है जो अंदर से यूज होगा, और ये जो बेडरूम है इसके लिए भी ये अटैच टॉयलेट बाथरूम, ये जो कॉमन टॉयलेट बाथरूम है ये यूज होगा। तो आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है फर्स्ट फ्लोर का प्लान था, मतलब ऊपर की मंजिल का प्लान था। तो दोनों प्लान जो है आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आराम से प्लान को देख सकते हैं। देखिए प्लॉट का साइज जो है हमने आपको बताया था 32 फीट बाय 45 फीट का था, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है हमने कम एरिया में किया था, मतलब लगभग 25 फीट बाय 35 फीट में। तो 25 फीट बाय 40 फीट का भी हम इसे कर सकते हैं, 25 फीट बाय 40 फीट में भी ये बढ़ सकता है, मतलब लगभग 1000 स्क्वायर फीट में। ठीक है, स्मॉल हाउस प्लान है और रूम की साइज भी काफी अच्छे है। तो इसका जो 3D फाउंडेशन हमने किस टाइप में बना था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा इसका 3D फाउंडेशन, आप देख सकते हैं काफी मॉडर्न टाइप का और सिंपल सा हमने पूरा डिजाइन बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाउंड्री वॉल डिजाइन है काफी सुंदर और काफी अट्रैक्टिव बनाई गई है। यहाँ पर एक बड़ा सा गेट बताया गया है और उसके बाद में यहाँ पर मेन डोर है, यहाँ पर विंडो बताया गया है, इस साइड में भी एक विंडो है, इसे भी हमने काफी सुंदर काफी अट्रैक्टिव बनाया है। और उसके बाद में ऊपर जो हमने टेरेस बताया था आप देख सकते हैं, ये जो पोर्च बताया था यहाँ पर हमने बताया आप देख सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक विंडो बताया है, और यहाँ पर जो ऊपर जो पैरापेट दिया गया है इसे जो काफी सुंदर और मॉडर्न टाइप का डिजाइन बना है। इस साइड में आप देख सकते हैं ये वर्टिकल फाइव्स है, स्क्वायर फाइव है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा जो है इस टाइप में ये पूरा जो है डिजाइन हमने बनाया था। और इसके कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कलर कॉम्बिनेशन है काफी सुंदर काफी अट्रैक्टिव और बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन है जो काफी लोगों को पसंद आया था। और उसके बाद में फिर से एक कलर कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं लाइट कलर कॉम्बिनेशन जिसकी चॉइस है उनके लिए ये कलर कॉम्बिनेशन है। तो हर प्रकार से कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाए थे, आप देख सकते हैं ये भी एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन है, काफी लोगों की इस टाइप की चॉइस होती है, और ये भी एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर कॉम्बिनेशन है, ये भी काफी लोगों की पसंद होती है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप में ये कलर कॉम्बिनेशन और इस टाइप में ये पूरा जो है डिजाइन हमने बनाया था। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, इस प्लान में आप क्या क्या गलतियां निकाल सकते हैं या तो क्या क्या सुधार सुझा सकते हैं ये भी हमको आप बता सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे ऑफिस के नंबर आपको नजर आ जाएंगे, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारी क्या फीस होती है क्या प्रोसेस होती है उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं अगर आपको प्लान या डिजाइन बनाना है या कलर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आपके शेयर से किसी की मदद हो सकती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।